खोड क्षेत्र में विद्युत व्यवस्थाएं किस हद तक चरमरा चुकी हैं कि अब लगातार हो रही कटौती के बाद भी समस्या रुकने का नाम नहीं ले रही। इन्हीं समस्याओं के चलते आज खोड के ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया और वो एकत्रित होकर सर्वप्रथम खोड चौकी पर पहुंचे। खोड चौकी प्रभारी उप निरीक्षक राजीव दुबे को विद्युत समस्या के चलते कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। साथ ही खोड विद्युत वितरण केंद्र पर पहुंचे तो खोड विद्युत वितरण केंद्र पर पदस्थ स्टाफ ऑफिस में ताला डालकर भागता हुआ दिखाई दिया। वहीं एक घंटा गुजरने के बाद भी जब कोई कर्मचारी नहीं आया तब वरिष्ठ अधिकारियों को समस्या बताते हुए कहा गया कि हम लोग मात्र अपनी समस्या से अवगत कराने के लिए आए हैं, यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है। जिस पर कुछ समय बाद खोड वितरण केंद्र पर पदस्थ जेई अरविंद भोसले पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुन जल्द से जल्द विद्युत व्यवस्था सुचारू करने का आश्वासन दिया। तो यहाँ कोई स्टाफ ही नहीं रहते, पहली बात तो ये है। सुबह 9 बजे केवल अंगूठा लगाने के लिए आते हैं, बस सब पर अपने घर भाग जाते हैं। टोटल स्टाफ यहाँ लोकल का है, कोई बाहर का स्टाफ नहीं है। ये है कि अभी 2 घंटे की कटौती हो गई है 12 बजे तक। बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं है। क्या इस तरह से चलेगी बिजली वालों की? कल के दिन जब बिजली के आप बिल्ले नहीं आ गए तो हम भी ताले लगा लगा के भग जाया करें, कैसे काम चलेगा? बिजली के बिल भी आ रहे हैं, यूनिट जल रही है, 100 बिल दे रहे हैं 200 यूनिट का, लाइट दे नहीं रहे, लाइट भी दे रहे हैं तो 50 वोल्ट से अधिक लाइट नहीं आ रही उसमें, थोड़ी बहुत आ भी रही है। और 24 घंटे में 2-3 घंटे लाइट आ रही है, वो भी 50, 60, 70, 100 वोल्ट से कभी ऊपर आता नहीं है। इस विषय में आपने किसी को ज्ञापन दिया है? कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया है, चौकी पे ज्ञापन दे दिया है। अब जो फ्री का राशन लेना खाना चालू कर दे, आप तो सीएम तक को ज्ञापन दो, हराम का खाना चालू कर दे, कमाना बंद कर दे। दूसरी बात साहब, हम तो साहब हैं दाल बाटिया ठोकर, आप डीओ साहब को बुला लो, निकालियो। बिल्कुल शांतिपूर्ण बात हुई है, नहीं कोई बात नहीं होगा। और नाइट के लिए स्टाफ का बोला गया था, तो नाइट में 2 आदमी यहाँ पे कार्यरत रहेंगे। रात में जब भी सप्लाई बाधित होती है तो उनके द्वारा लाइट सप्लाई को दुरुस्त किया जाएगा। और बिल के संबंध में कहा गया है कि बिल ज़्यादा आया है, जिनका बिल ज़्यादा आया है उनको सुधार कर दिया जाएगा। और जो चोरी से चला रहे हैं उनको पहले समझाइश दी जाएगी कि कनेक्शन ले ले, अगर कनेक्शन नहीं लिया जाता है तो उनका केस बनाया जाएगा।